खट्टे की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, हींग, सौंफ, जीरा, पानी, तेल, दही, कटे हुए लहसुन और प्याज, हरी मिर्च। सबसे पहले हम एक पैन में पानी लेंगे, दो गिलास पानी लिया है, इसको गर्म करेंगे। जब तक हमारा ये पानी गर्म होता है, हम गट्टे का जो है आटा उसको तैयार करेंगे, गट्टे तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्च, सौंफ डालेंगे आधा चम्मच और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास। अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिए हैं। हम पानी डालकर ये हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसके गट्टे बनाएंगे। गट्टे बनाने के लिए हम इसको ऐसे लंबा लंबा करके इसको ऐसे गोल काट लेंगे इस तरह, और ऐसे काट के इसकी एक टिक्की सी बना लेंगे इस तरह। तो ये हमारा तैयार हो गया है। ऐसे करके हम सारे गट्टे बना लेंगे। ये हमारे सारे तैयार हो गए हैं और हमारा पानी भी गर्म हो गया है। अब हमें सब इसमें उबालेंगे, बॉईल करेंगे, सारे डाल देंगे और हम बॉईल करेंगे। जब तक ये उबल नहीं आए, इनमें उबाल ना आ जाए, ये अच्छे से ना पक जाए, हम इनको उबालेंगे गर्म पानी में। ये हमारे उबल गए हैं, अब हम इसको साइड में रख देंगे और अब हम कढ़ाई रखेंगे। इसमें वन टीस्पून फुल तेल डालेंगे, इसको हम गरम करेंगे। ये हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें हींग और जीरा डाल दिया है हमने। अब इसमें हम लहसुन और प्याज डालेंगे और इनको ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया लेके इसमें थोड़ा सा पानी मिला के रखा हुआ है। अब इसको हम, ये जो हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे इसको और थोड़ा सा पका। जब ये थोड़ा सा तेल छोड़ने लग जाए, हम इसमें ये जो हमारी दही है इसकी छाछ बना लेंगे और इस छाछ को हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये हमारे उबाल आ गई है,
अब हम ये इसमें जो हमने गट्टे की ये उबाल के तैयार किए थे अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसमें उबाल आने का इंतजार करेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगी ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये हमारी गट्टे वेले की जो सब्जी है वो बनकर तैयार हो गई है। इसको हम गरम मसाले से गार्निश कर लेंगे। उसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये हमारी सर्विंग डिश ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है। इसको हमने सर्विंग डिश में